Hi guys, हम किंसेच टीम हैं, मैं हूँ नौरीन और मेरे साथ है सलीमा। सलीमा, तो सलीमा आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग लेकर आए हैं बाबर आजम vs विराट कोहली। दोनों तगड़े वाले जो है ना, मतलब क्या बोलूं, बहुत ज्यादा अच्छी लोग बैटिंग करते हैं। अब विराट कोहली तो खैर हमारा फेवरेट है, क्या ही बात है भाई। विराट कोहली हाँ। आप कोई जो है ना वो उसको बीट नहीं कर सकता। हाँ, शायद पर आप हमारे सामने बाबर आजम है पाकिस्तानी टीम का, तो लेट्स सी क्या बताया जाता है किसको ज्यादा, यू नो आप समझ हमें सीनरी नहीं है। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल क्रिकेट के वर्ल्ड फॉर्मेट में बेहतर इंडो बैट्समैन विराट कोहली और बाबर आजम के बीच टेस्ट, ओडीआई और टी20 लास्ट 15 इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं उनके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में। विराट कोहली का जन्म 1980 में हुआ था और बाबर आजम का जन्म 1994 में लाहौर में हुआ था। 94? बाबर आजम की हाइट 5 feet 9 inch और 8.70 kg और बाबर आजम की हाइट 5 feet 11 inch और 8.60 kg और बाबर आजम ने ओपनिंग नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं। आप बात करते हैं उनके टेस्ट क्रिकेट में लास्ट 15 इनिंग्स की बैटिंग करियर के बारे में। विराट कोहली ने 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और बाबर आजम ने 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। विराट कोहली ने लास्ट 15 इनिंग्स में कुल 625 ओवर बैटिंग की और बाबर आजम ने लास्ट 15 इनिंग्स में कुल 726 ओवर बैटिंग की। विराट कोहली ने कुल 1941 रन बनाए हैं और बाबर आजम ने कुल 2,400 विराट कोहली ने 8 बार 0 रन पर आउट और 4 बार नॉट आउट रहे हैं और बाबर आजम ने 4 बार 0 रन पर आउट और 4 बार नॉट आउट रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में लास्ट 15 इनिंग्स में विराट कोहली की बेहतरीन स्कोर 254 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और बाबर आजम की बेहतरीन स्कोर 196 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। विराट कोहली ने कुल 9 सेंचुरी और 14 हाफ सेंचुरी बनाए हैं और बाबर आजम ने कुल 6 सेंचुरी और 17 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। विराट कोहली ने कुल 8 छक्के और 369 चौके लगाए हैं और बाबर आजम ने कुल 13 छक्के और 313 चौके लगाए हैं। विराट कोहली ने कुल 28 मैचों में कैप्टनसी करके 18 मैच जीते हैं और बाबर आजम ने कुल 11 मैचों में कैप्टनसी करके 7 मैच जीते हैं। एज ए कैप्टन विराट कोहली की यूनिरेट 64.30 और बाबर आजम की यूनिरेट 63.75। विराट कोहली ने 2 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और बाबर आजम ने 1 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की करंट एसिस रैंक नंबर 10 और बाबर आजम की करंट एसिस रैंक नंबर 4। आप बात करते हैं ओडीआई क्रिकेट में उनके लास्ट 15 इनिंग्स की बैटिंग करियर के बारे में। विराट कोहली ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया और बाबर आजम ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई डेब्यू किया। ओडीआई में विराट कोहली ने लास्ट 15 इनिंग्स में कुल 460 ओवर बैटिंग की और बाबर आजम ने लास्ट 15 इनिंग्स में कुल 476 ओवर बैटिंग की। विराट कोहली ने कुल 2,648 रन बनाए हैं और बाबर आजम ने कुल 2,674 रन बनाए हैं। विराट कोहली की बैटिंग औसत 64.75 और बाबर आजम की बैटिंग औसत 62.15। विराट कोहली के स्ट्राइक रेट 95.95 और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट 93.50। विराट कोहली ने 3 बार 0 रन पर आउट और 9 बार नॉट आउट रहे हैं और बाबर आजम ने 3 बार 0 रन पर आउट और 7 बार नॉट आउट रहे हैं। ओडीआई क्रिकेट में लास्ट 15 इनिंग्स में विराट कोहली की बेहतरीन स्कोर 157 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और बाबर आजम की बेहतरीन स्कोर 158 अगेंस्ट इंग्लैंड। विराट कोहली ने कुल 8 सेंचुरी और 17 हाफ सेंचुरी बनाए हैं और बाबर आजम ने कुल 10 सेंचुरी और 12 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। विराट कोहली ने कुल 21 छक्के और 253 चौके लगाए हैं और बाबर आजम ने कुल 26 छक्के और 263 चौके लगाए हैं। विराट कोहली ने कुल 50 मैचों में कैप्टनसी करके 33 मैच जीते हैं और बाबर आजम ने कुल 15 मैचों में कैप्टनसी करके 9 मैच जीते हैं। एज ए कैप्टन
నేను విరాట్ కోహ్లీకి విన్ రేట్ చేసర్ వాడ బాబర్ అజమ్ కి విన్ రేట్ సార్ లాస్ట్ 15 ఇన్నింగ్స్ మే విరాట్ కోహ్లీ నే కుల్ 10 బార్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ బనే హై వాడ బాబర్ అజమ్ నే కుల్ 6 బార్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ బనే హై ఓడిఐ క్రికెట్ మే విరాట్ కోహ్లీ కి కరెంట్ ఐసీసీ ర్యాంక్ నంబర్ 3 వాడ బాబర్ అజమ్ కి కరెంట్ ఐసీసీ ర్యాంక్ నంబర్ 1 ఆ బాత్ కర్తే హై ఉన్కే T20 మే లాస్ట్ 15 ఇన్నింగ్స్ కి బ్యాటింగ్ కెరీర్ కి బారే మే विराट कोहली ने 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 डेब्यू किया और बाबर आजम ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 डेब्यू किया। T20 में विराट कोहली ने लास्ट 15 इनिंग्स में कुल 201 ओवर बैटिंग की और बाबर आजम ने लास्ट 15 इनिंग्स में कुल 255 ओवर बैटिंग की। विराट कोहली ने कुल 1693 रन बनाए हैं और बाबर आजम ने कुल 1995 रन बनाए हैं। विराट कोहली की बैटिंग औसत 45.75 और बाबर आजम की बैटिंग औसत 43.35। विराट कोहली के स्ट्राइक रेट 140.25 और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट 130.35। विराट कोहली ने 3 बार 0 रन पर आउट और 13 बार नॉट आउट रहे हैं और बाबर आजम ने 3 बार 0 रन पर आउट और 4 बार नॉट आउट रहे हैं। T20 में लास्ट 15 इनिंग्स में विराट कोहली के बेहतरीन स्कोर 94 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और बाबर आजम के बेहतरीन स्कोर 122 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। विराट कोहली ने कुल 15 हाफ सेंचुरी बनाए हैं और बाबर आजम ने 1 सेंचुरी और 21 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। विराट कोहली ने कुल 62 छक्के और 128 चौके लगाए हैं और बाबर आजम ने कुल 31 छक्के और 198 चौके लगाए हैं। विराट कोहली ने कुल 50 मैचों में कैप्टेंसी करके 32 मैच जीते हैं और बाबर आजम ने कुल 41 मैचों में कैप्टेंसी करके 26 मैच जीते हैं। एज ए कैप्टन विराट कोहली की विन रेट 64 और बाबर आजम की विन रेट 63.40। लास्ट 15 इनिंग्स में विराट कोहली ने कुल 3 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और बाबर आजम ने कुल 4 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। T20 में विराट कोहली की करंट एसिस रैंक नंबर 16 और बाबर आजम की करंट एसिस रैंक नंबर 1। आप बात करते हैं एक और फॉर्मेट में उनके लास्ट 15 इनिंग्स की बैटिंग करियर के बारे में। विराट कोहली ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ आईसीसी डेब्यू किया और बाबर आजम ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ आईसीसी डेब्यू किया। टेस्ट ओडीआई और T20 मिलाकर विराट कोहली ने लास्ट 150 पारियों में कुल 1286 ओवर बैटिंग की और बाबर आजम ने लास्ट 150 पारियों में कुल 1457 ओवर बैटिंग की। विराट कोहली ने कुल 6282 रन बनाए हैं और बाबर आजम ने कुल 7070 रन बनाए हैं। विराट कोहली की बैटिंग औसत 50.75 और बाबर आजम की बैटिंग औसत 52.35। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 81.45 और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट 80.85। विराट कोहली ने कुल 14 बार 0 रन पर आउट और 24 बार नॉट आउट रहे हैं और बाबर आजम ने कुल 10 बार 0 रन पर आउट और 15 बार नॉट आउट रहे हैं। विराट कोहली की बेहतरीन स्कोर 254 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और बाबर आजम की बेहतरीन स्कोर 196 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। विराट कोहली ने कुल 17 सेंचुरी और 46 हाफ सेंचुरी बनाए हैं और बाबर आजम ने कुल 17 सेंचुरी और 50 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। विराट कोहली ने कुल 91 छक्के और 750 चौके लगे हैं और बाबर आजम ने कुल 70 छक्के और 776 चौके लगे हैं। विराट कोहली ने कुल 128 मैचों में कैप्टेंसी की और बाबर आजम ने कुल 67 मैचों में कैप्टेंसी की। विराट कोहली ने कुल 83 मैच जीते और 43 मैच हारे हैं और बाबर आजम ने कुल 42 मैच जीते और 23 मैच हारे हैं। एज ए कैप्टन विराट कोहली की विन रेट 64.85 और बाबर आजम की विन रेट 62.75। लास्ट 150 पारियों में विराट कोहली ने कुल 15 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और बाबर आजम ने कुल 11 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। आप बात करते हैं उनके इंक्रीमेंट सैलरी के बारे में। बीसीसीआई से विराट कोहली को पारियाई मिलते हैं 70 करोड़। ओह माय गॉड। बीसीबी से बाबर आजम को पारियाई मिलते हैं 73 लाख। विराट कोहली को एक टेस्ट मैच के लिए मिलते हैं 15 लाख रुपीज और बाबर आजम को एक टेस्ट मैच के लिए मिलते हैं 1,25,000 रुपीज। विराट कोहली को एक ओडीआई मैच के लिए मिलते हैं 6 लाख रुपीज और बाबर आजम को एक ओडीआई मैच के लिए मिलते हैं 1 लाख रुपीज। विराट कोहली को एक T20 मैच के लिए मिलते हैं 3 लाख रुपीज और बाबर आजम को एक T20 मैच के लिए मिलते हैं 75,000 रुपीज। IPL 2022 में विराट कोहली की IPL सैलरी 15 करोड़ और PSL 2022 में बाबर आजम की PSL सैलरी 1,27,00,000। विराट कोहली की एनुअल इनकम लगभग 200 करोड़ और बाबर आजम की एनुअल इनकम लगभग 6 करोड़। विराट कोहली की नेटवर्थ लगभग 250 करोड़ और बाबर आजम की नेटवर्थ लगभग 35 करोड़। तो गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स पर्सनली मुझे लगता है इनफॉर्म बैट्समैन बाबर आजम लास्ट 15 इनिंग्स में विराट कोहली से थोड़ा सा आगे है बट ओवरऑल फुल करियर में बाबर आजम विराट कोहली के आसपास भी नहीं है। तो गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स आपको क्या लगता है?
बेस्ट बैट्समैन कौन है कमेंट में बताइएगा, और अगर अभी आपका पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो उसकी उनकी दोनों की बैटिंग परफॉर्मेंस की पूरी स्ट्रेटजी दिखाई थी इन लोगों ने कि कितना कितना लोग ने कितना स्कोर किया था और कितना आउट किया था, पूरा वो उनका चार्ट बता दिया पूरा हम लोगों को। लास्ट में था वो अटैक वाला कि उनकी लाइक टेस्ट मैच में भी है ना विराट की कितनी अच्छी सात आ गए डूड। अच्छा अब मसला ये कि उससे एंड में बोला ना कि मतलब बाबर आजम है ना, नहीं सॉरी विराट कोहली जो है ना वो आगे ही थे, पर अगर देखा जाए तो लाइक 1-2% ही आगे थे, ज्यादा नहीं था। तो हम वैसे भी किसी को भी जज नहीं करेंगे, दोनों ना बेस्ट है अपनी अपनी जगह, तो हम दोनों को ही सपोर्ट करेंगे। एंड में जो हुआ है ना भाई, पाकिस्तान वालों जाग जाओ, गवर्नमेंट वालों तो यार डूड, अच्छा अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज्यादा कम है, और शायद कहीं ना कहीं सपोर्ट भी इतना नहीं मिलता माइंड भी। हाँ वी आर नॉट श्योर कि भाई एक्चुअली अंदर क्या और होता है और क्या नहीं होता, वी डोंट नो। लेकिन अब अगर सपोर्ट मिले या इतनी ये सारी चीजें हो तो फिर तो लोग और एफर्ट करेंगे और कुछ करेंगे, तो बाबर आजम ही क्यों नहीं, या फिर दूसरे जो भी आगे कैप्टन आएंगे वो डेफिनेटली और एफर्ट अच्छे से करेंगे। हाँ, वो इन फ्यूचर लेकिन कोई भी जीते कह रहे तुम जीतो या हारो हमारे साथ है खैर, लेकिन वी कैन नॉट जज ऑब्वियसली, जैसे सलीमा ने बोला मतलब दोनों ही सिमिलर थे, कभी बाबर अच्छे कर रहे थे तो कभी विराट अच्छे कर रहे थे, बहुत सारी जगह जो है वो विराट भी नीचे थे, या कहीं पे बहुत सारी जगह विराट ने भी जो है ना वो जीरो डक आउट पे डक में भी आउट हुए हैं, वो तो मैंने खुद देखा था मैच देखते हुए सही है। हाँ लेकिन कहीं बहुत सारी जगह बाबर आजम भी छूट गए थे, ऑब्वियसली खेल है यार, कभी मैं जीतूंगी कभी सलीमा जीतेंगे, खेल है, सो के आखिर में दोस्ती रहना है, थोड़ी कोचिंग क्लास ओवर में आखिर में दोस्ती रहना है। वेल नो डाउट ये बहुत अच्छा लगा, हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे हमसे रिक्वेस्ट किया था कि इस पे रिएक्शन दो, तो हमने अपना ओपिनियन तो शेयर कर दिया आप लोग, अगर बता भी दिया है तो हम आप लोग का भी ना जानना चाहेंगे कि आप लोग का क्या है ओपिनियन, तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे रिएक्शन का भी जरूर बताना कि आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं किया। तो जाते जाते शॉकिंग रिएक्शन सैलरी देख कर हुई है, सब छोड़ो सैलरी देख कर ओके तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।